देहरादून में रिस्पना चौक पर पहले तो शक्तिमान की प्रतिमा लगवाई गई और फिर रातों रात वहां से हटा ली गई। 3 दिन पहले शक्तिमान घोड़े की प्रतिमा रिस्पना चौक पर लगवाई गई और फिर इसे हटा लिया गया है। शक्तिमान का मूर्ति लगने के बाद से हरीश रावत सरकार की जमकर किरकिरी हो रही थी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नाराजगी जताई थी। लोगों का कहना था कि 2013 की केदारनाथ आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तक कोई मूर्ति नहीं लगवाई गई है। राज्य आंदोलनकारियों की मूर्ति भी अब तक नहीं लगवाई गई। हरीश रावत पर राजनीतिक फायदे के लिए शक्तिमान घोड़े की मूर्ति लगवाने के आरोप लग रहे थे। कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से हरीश रावत ने रात रात शक्तिमान की मूर्ति को हटाने का लिया फैसला। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही मूर्ति थी जो 3 दिन पहले लगी थी, लेकिन एकाएक उसे रातों रात हटा लिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने हरिद्वार से। तो सूत्र बताते हैं कि ऊपर के आदेशों के बाद इस मूर्ति को हटा दिया गया। शक्तिमान घोड़ा जो कि रैली के दौरान जख्मी हुआ था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। लगातार इस मामले को लेकर सियासत जोरों पर चल रही थी और 3 दिन पहले ये सियासत उस वक्त और तेज हो गई जब हरीश रावत की तरफ से ये मूर्ति लगवा दी गई थी रिस्पना चौक पर। लेकिन 3 दिन बाद इस मूर्ति को हटा लिया गया क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार हरीश रावत की किरकिरी हो रही थी। सवाल उठ रहे थे कि 2013 की आपदा में तो कोई मूर्ति नहीं लगवाई गई। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 3 दिन पहले की तस्वीर, रिस्पना चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मूर्ति लगवाई गई थी हरीश रावत की तरफ से, हरीश सरकार की तरफ से। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, आखिर कहां गई शक्तिमान की मूर्ति, ये सबसे बड़ा सवाल। उसी जगह से अब ये मूर्ति गायब हो चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऊपर से आए आदेशों के बाद इस मूर्ति को हटा लिया गया। राजधानी के रिस्पना तिराहे पर अनावरण से पहले ही शक्तिमान घोड़ा गायब हो गया है। इस वक्त हम रिस्पना पुल पर उस स्थान पर हैं जहां पर शक्तिमान की मूर्ति को स्थापित किया गया था। विभागों ने बड़ी इसके लिए तैयारी की थी। आप ये नीचे देख सकते हैं, ये पैराफिट लगाकर और ये कुछ भवन निर्माण सामग्री संबंधी सामान भी पड़ा हुआ है। यह निर्माण किया जाना था लेकिन इसके पहले ही मूर्ति गायब हो गई है। सवाल यह है कि विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर यह मूर्ति आखिर कैसे गायब हो गई? अगर ये सरकारी विभागों जिन्होंने लगाई थी उन्होंने ही हटाई तो उनके खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? तो क्या समझा जाए पहले इस मसले पर सरकार राजनीति करके गलत कर रही थी या अब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है लिहाजा वो बच रही है? यदि हम इस स्थान पर दोबारा नजर डालें तो देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं जो कौतूहलवश तरीके से देख रहे हैं कि आखिर मूर्ति कहां गई। क्या जनता को बरगलाया गया या जनता को मूर्ति के दर्शन से पहले ही मूर्ति को गायब करा दिया गया? बहरहाल विधानसभा के चंद कदमों पर रिस्पना तिराहे पर यह पैदा हुए हालात बताने के लिए काफी हैं कि सरकार के फैसले कितनी जल्दबाजी के, कितने गलत, और अब उन पर ही ये भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी जानकार सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, देहरादून, समाचार प्लस। शक्तिमान की मूर्ति पर सूबे में सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी हरीश रावत पर घोड़े के बहाने सियासत करने का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस पुलिस पर मूर्ति हटवाने का आरोप लगा रही है। वहीं पुलिस विभाग का कहना है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हम निश्चित रूप से, ये पुलिस विभाग का काम है। वो शहीद हुआ, वो पुलिस का सिपाही था शक्तिमान, और उसकी स्मृतियों को अक्षुण रखने के लिए दूसरा कोई इस तरह का क्रूर कार्य न करे। जहां पर वो शहीद हुआ है वहीं पर उसकी मूर्ति स्थापित होगी और उसको पार्क का स्वरूप दिया जाएगा, वो पुलिस विभाग करे। क्योंकि ये काम उत्तराखंड पुलिस का ये काम है। देखिए ये जो मूर्ति बनी थी ये पुलिस विभाग द्वारा निर्मित नहीं थी, तो संबंधित विभाग जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, स्थापित किया गया, मेरे ख्याल से वो स्पष्ट रूप से बता पाएंगे इस संबंध में। और बाकी पुलिस स्तर से इसमें जानकारी की जाएगी किन परिस्थितियों में हटा। लेकिन अगर कोई भी सक्षम आदेश होगा तो नेचुरल सी बात है उसको हटाया गया होगा, लेकिन जिस विभाग के द्वारा निर्माण किया गया वो संबंध में स्पष्ट कर पाएंगे। इसमें कोई मूर्ति चोरी या कोई उसको क्षतिग्रस्त करने का कोई ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। किसी भी मूर्ति को लगाने और हटाने का अधिकार क्षेत्र जिस विभाग के पास होगा, नेचुरल सी बात है उसको स्पष्ट रूप वही कर पाएंगे। घोड़े की मूर्ति इसलिए लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए क्योंकि उसके विधायक ने वो घोड़ा मारा था, ये प्रचारित करना चाहते हैं। ये जो राजनीति करते हैं माननीय हरीश रावत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सिर्फ भाजपा का इनको फोबिया हो गया है। हर तरफ से किसी न किसी तरह से इनको बदनाम करो।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से श्याम जाजू ने की समाचार प्लस से खास बातचीत। श्याम जाजू ने हरीश रावत पर साधा निशाना और कहा कि वनमैन आर्मी की तरह तानाशाही चला रहे हैं हरीश रावत। साथ ही कहा कि राज्य की जनता का पैसा हरीश स्टैच्यू में कर रहे हैं बर्बाद। हरीश रावत से हताश और निराश है जनता। 2017 में हरीश रावत को सबक सिखाएगी जनता, ये बयान श्याम जाजू का समाचार प्लस के साथ खास बातचीत में। शक्तिमान के स्टैचू को जिस तरह से हटाया गया, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। श्याम जी, पहले फैसला किया गया कि शक्तिमान का स्टैचू हम लगाएंगे, उनको लगा कि बीजेपी पर हमला कर सकते हैं इसके जरिए, फिर अचानक उसको हटा भी दिया गया। कहा जा रहा है कि किसी ज्योतिषी ने ऐसी सलाह दी, इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? उत्तराखंड ये क्रांतिकारी प्रदेश है। उत्तराखंड की निर्मिति बलिदान में से हुई है। उत्तराखंड की निर्मिति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, तो ऐसे पहाड़ी प्रदेश की एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसलिए उत्तराखंड की निर्मिति हुई। उस उत्तराखंड निर्मिति जिन लोगों का बलिदान हुआ, उनका एक भी व्यक्तिगत स्मारक उत्तराखंड में जिस सरकार ने खड़ा नहीं किया, और वो सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शक्तिमान घोड़े का उपयोग करेगी, शक्तिमान घोड़े का स्टैचू के लिए इतना बड़ा खर्च होगा और उसकी मूर्ति लगाई जाएगी, हमारा मूर्ति को विरोध नहीं है। पर सवाल इसमें आप वहां के शहीदों का अपमान कर रहे, उत्तराखंड का अपमान कर रहे, उत्तराखंड के अस्मिता का ध्यान नहीं रख रहे, ऐसा करना उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन फिर उस मूर्ति को हटा भी दिया गया, इतना खर्चा हुआ उसके बाद हटा दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि किसी ज्योतिषी के कहने पर हटाया गया। उन्होंने कहा कि अगर मूर्ति रहेगी तो आपके लिए शुभ नहीं होगा। सरकारें किसी के मन मर्जी अनुसार नहीं चलती, उसको संवैधानिक संकेतों के आधार पर लोकशाही में उसको चलाना पड़ता है। अपने मन में आ गया तो एक चौक में मूर्ति खड़ी कर दी, दूसरे दिन कोई सलाह दे रहा है तो मूर्ति हटा ली। इस प्रकार का ही वन मैन सिंगल मैन आर्मी की सरकार उत्तराखंड में चल रही है। इसलिए उत्तराखंड की जनता हताश है, निराश है, वो इंतजार कर रही है आने वाले चुनाव में जनता इसका हिसाब करेगी। तो श्याम जाजू का बयान हरीश रावत के मूर्ति को हटवाने को लेकर उठाए कई सवाल, और इस बीच हरीश रावत से समाचार प्लस भी कई सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि क्या अंधविश्वास की वजह से हटाई गई शक्तिमान की मूर्ति? सवाल ये भी है कि क्या किसी ज्योतिषी के कहने पर मुख्यमंत्री ने हटवाई शक्तिमान की मूर्ति? कल ही हरीश रावत ने ज्योतिषी बेजान दारूवाला से की थी मुलाकात। जब मूर्ति लगा दी गई थी तो रातों रात क्यों हटाती गई, ये सबसे अहम सवाल है। किरकिरी होने की वजह से अपने फैसले से पीछे हट रहे हैं क्या हरीश रावत? हरीश रावत ने क्यों नहीं लगवाई राज्य के शहीद आंदोलनकारियों की मूर्ति? शहीद जवानों की मूर्ति की स्थापना आखिर क्यों नहीं की गई? विकास की राजनीति के बजाय घोड़े पर राजनीति कर रहे हैं हरीश रावत। जब सीएम ने खुद मूर्ति लगवाई, पुलिस कैसे हटवा सकती है? क्या सिर्फ सियासत जमकाने के लिए लगवाई गई थी शक्तिमान की मूर्ति? ये तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो गए। 3 दिन पहले मूर्ति लगवाई गई और 3 दिन बाद एकाएक हटा ली गई। तो शक्तिमान की आड़ लेकर जहां सरकार ने बीजेपी का विधानसभा कूच फेल कर दिया, वहीं संवेदनाओं पर भी बीजेपी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन घोड़े की चाल सरकार पर भारी पड़ी। अब मूर्ति अनावरण से पहले ही मूर्ति गायब कर दी गई है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मेरी इच्छा है कि ये काम शक्तिमान का आगे का जो निर्णय है वो काम जो है हम आगे आने वाली सरकार के ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मामले में कोई पॉलिटिक्स दिखाई दे। इसे सियासत की चाल कहें या फिर शक्तिमान को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार की किरकिरी, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया। घोड़ा शक्तिमान की मौत के बाद विधायक गणेश जोशी को जेल तक जाना पड़ा था। अब कुछ वक्त बीता है तो सरकार को अपना किया वादा यानी शक्तिमान की मूर्ति स्थापना और चौक बनाने की याद आई। लेकिन सोशल मीडिया और दूसरे जगहों से मिल रहे इनपुट को देखकर सरकार बैकफुट पर आ गई। पहले पुलिस लाइन में पार्क के उद्घाटन से इनकार किया, फिर रिस्पना पुल से मूर्ति ही गायब हो गई। सीएम कहते हैं कि वो इस मसले पर राजनीति नहीं चाहते, तो मूर्ति तैयार करने वाला माइकल सीएम की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। ये काम शक्तिमान का आगे का जो निर्णय है वो काम जो है हम आगे आने वाली सरकार के ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मामले में कोई पॉलिटिक्स दिखाई दे। उसकी स्मृति में एक चौक बनाएंगे, हमने वो निर्णय कर दिया है। अब उस चौक को आगे बढ़ाना, गठित करना, उसमें क्या स्टैचू लगेगी आदि जो है वो जब
राज्य की अगली चुनी हुई सरकार आएगी तो वो सरकार निर्णय। इस बात का मुझे बहुत दुख है सर, सीएम साहब यहाँ तक आए सर रेस कोर्स में और पासिंग परेड का उन्होंने प्रोग्राम देखे सर, उसके बाद यहाँ तक वो श्रीमान जी किसी कारणवश से नहीं आ पाए, उस बात का मुझे बड़ा खेद है सर। शक्तिमान के मसले पर शक्तिहीन हो चुकी बीजेपी अब और अधिक ताकतवर और सीएम के रवैये को देखकर घेरने के पूरे मूड में है। सैनिक बाहुल प्रदेश होने के नाते यहाँ के सभी सैनिक प्रदेश की जनता मांग कर रही थी कि यहाँ पर एक प्रदेश स्तर का वार मेमोरियल यहाँ पर बनना चाहिए, आपने वो नहीं बनाया और मात्र राजनीति करने के लिए आपने एक मूर्ति वहां पर लगा दी। और जब एक किसी ज्योतिषी ने आपसे ये कह दिया कि साहब पहले भी आपने इनके घोड़े पर राजनीति बेजुबान जान पर राजनीति करने का आपने प्रयास किया, उसका नुकसान आपको 10 विधायक गंवाने पड़े, इस बार अगर आपने ऐसा किया तो पूरी कांग्रेस डूबने वाली है और आपने रात मूर्ति हटा दी, तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी शायद बेहतर दे पाएंगे। कभी घोड़े पर सवार होकर सीएम दौड़ लगा रहे थे तो अब घोड़े से बचते नजर आ रहे हैं। बहरहाल बात निकली है तो दूर तक जाएगी, पुलिस तो महज कारक मात्र है, असल में सब सरकार के हवाले और इशारे से ही हुआ है। एक बेजुबान पशु की आड़ में राजनीति कर रही सरकार अब शक्तिमान मामले पर बैकफुट पर नजर आती है। सवाल यह है कि जिस शक्तिमान की चाल पर उसे अभी तक मजा आ रहा था, आखिर उस मुद्दे से अब वो भटकना क्यों चाहती है? क्या वास्तव में इंस्ट्रक्शन ऊपर से आए हैं या इसके पीछे कोई और कारण गिनाए जा रहे हैं? बहरहाल चर्चाएं यहां तक गर्म है कि घोड़े की टांग टूटने के बाद जिस तरह सरकार गिरी, कहीं हालात इसी तरह और कदर विकट ना हो जाएं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, देहरादून, समाचार प्लस।